व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है जी, पानी की निकासी का बहुत बुरा हाल है, सड़कें टूटी पड़ी चारों तरफ, और सड़कें गलियां नालियां बनाना तो सरकार का पहला फर्ज होता है। पर ये हम एक वादा करते हैं अपनी जनता से कि हम पक्षपात नहीं होने जाएंगे। जो पिछली सरकारें पक्षपात करती हैं, ये दूसरी पार्टी का, ये उस पार्टी का, हम उसमें बिल्कुल पक्षपात खत्म करेंगे, सबका एक साथ विकास, समान विकास करेंगे। हम पार्टी को विश्वास जिताने के लिए हम भाई दुष्यंत चौटाला जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला जी, तो जिन्होंने हमारे पास विश्वास जताया, बहुत वो करके प्राउड करके विश्वास कराया था, हम उनका धन्यवाद करते हैं। नहीं, हम अपने मुद्दे लेके जाएंगे। हमने अम्बाला के अंदर रोजगार दे रखे है, कोई भी जो अपने आप को दिग्गज नेता बोलते हैं ये बता सकते हैं कितना रोजगार दिया? हम बता सकते हैं हमने कम से 2-2.5 हज़ार लोगों को रोजगार दे रखा, और हम इसको हम 20 से 25 हज़ार करना चाहते हैं। हमारा ये मुद्दा है कि अम्बाला के अंदर कोई बड़ी इंडस्ट्री आए जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिले। हाँ जी, हम अपनी जीत का दावा करते हैं जी, हम जीतेंगे। मुद्दे बहुत हैं जी अम्बाला कैंट की बेहतरी के लिए, अम्बाला कैंट में कुछ परिवर्तन लाने के लिए। जो अम्बाला कैंट की जनता संघर्ष कर रही है, चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, रोजगार में हो, या जगह जगह पानी के जल भराव की जो समस्याएं हैं, दिन प्रतिदिन जो पब्लिक जो फेस कर रही है, जो मतलब जनता फेस कर रही है, उसके दुख दर्द को दिल में रखते हुए, पब्लिक से जुड़ते हुए, धर्म से जुड़ते हुए, सामाजिक कार्यों से जुड़ते हुए, सेवा करने के भाव से आज मैंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे नामांकन भर दिया है। मैं कोई बलशाली बलवान नहीं हूँ, बहुत पार्टियों का बड़ा बड़ा हाथ नहीं है, एक माता कालीवाड़ी मली मंदिर मैया की कृपा से आज ये नामांकन भर दिया है। आप सबका आशीर्वाद बना रहे, अम्बाला कैंट की जनता के लिए कुछ करने के भाव, कुछ अच्छा, कुछ नई, मतलब चाहते हैं कि कुछ ऐसे बदलाव हम ले आएँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम करें, रोजगार पे काम कर दें, शिक्षा मुफ्त कराने की जो एक मुहिम, एक इच्छा है वो, और जो अम्बाला कैंट में जो जल भराव थोड़ी सी समस्या होती है, पूरा अम्बाला कैंट डूब जाता है। सबसे पहला मुद्दा तो वही है कि इसको ड्रेनेज का जो काम है वो ज़बरदस्त तरीके से हो, और ये आने वाली जो अगली बारिश है तब तक अगर हमें कुछ सामर्थ्य है जनता की सेवा करने का, जनता ने ये हक दिया और चुना, तो सबसे पहली समस्या तो जो ये जल भराव की है उसके ऊपर हम कार्य करेंगे। और अम्बाला कैंट से जल भराव जो होता है इसको हमारी तरफ से पूरी कोशिश के साथ हमेशा के लिए इसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे।